वज़ीर आला सिंध के ज़ेरे सदारत टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसले। सिंध हुकूमत का स्कूल खुले रखने का फैसला। तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों का सर्वे किया जाएगा। अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। सरकारी मुलाजिम के मास्क न पहनने पर एक दिन की तनख्वाह कटौती की तजवीज़। वैक्सीनेशन मुहिम पूरे सूबे में तेज करने का फैसला और शादी तकरीबात में खाना बॉक्स में लेने की हिदायत। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि कोरोना केसेस में इजाफा एहतियाती तदाबीर अख्तियार न करने की वजह से है। नाजमाबाद में गैर कानूनी तामीरात न रोकी जा सकी। सिंध हाई कोर्ट का गैर कानूनी तामीरात न रोकने पर इजहार बरहमी। अदालती हुक्म के बावजूद पेश न होने पर बिल्डर अतीकुर रहमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने मुतल्लिका डायरेक्टर SBCA को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। गैस बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। सिंध हुकूमत का वफाक को खत लिखकर दो टोक अल्फाज में आईनी हक देने का मुतालबा। गैस जरूरत 750 और फरहमी 560 MMCFD दी जा रही है। दो माह से सिंध का CNG सेक्टर बंद। मजदूर बेरोजगार हो गए। शहरी लकड़ी, कोयला और सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। महंगाई के आसेब ने अवाम का पीछा ना छोड़ा। कराची में दालों की कीमत में 20 रुपए तक इजाफा। लाल मसूर 250, साबित मसूर 190, माश की दाल 260, चने की दाल 107, अरहर की दाल 340 और मूंग की दाल 160 रुपए फी किलो में फरोख्त। जेलों में ताकतवर तबके की मनमानियों और कैदियों से पैसे लेकर इन्हें सहूलियात फराहम करने का इंकशाफ हुआ है। डायरेक्टर जनरल इंसानी हकूक की सरबराही में जेलों का दौरा करने वाली टीम ने अपनी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल हकाम ने तस्लीम किया है कि इन पर शदीद सियासी दबाव डाला जाता है। महकमे दाखिला के दबाव पर बासर कैदियों को जेहलम और मियाँ वाली की जेलों से अडियाला जेल में रखे जाने का भी इंकशाफ हुआ है।